दिन मैटू, तुम किसी काम के नहीं हो। बार बार वीर को खत्म करने जाते हो और फेल हो जाते हो। He is useless, boss. ठीक है, तो तुम ही वीर को खत्म करके दिखा दो ना। वो तो बॉस ने आज तक मुझे भेजा नहीं, वरना वीर को खत्म करना तो मेरे बाएं पंजे का खेल है। सच, मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा। इस बार तुम जाओगी और वीर को अपने पंजे से ही खत्म करके आओगी। बॉस, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो गए बॉस। यस यस, मैं सीरियस हूँ। मैं तुम्हारे पंजों में इस बोतल का वायरस लगा दूंगा। जैसे ही तुम वीर के बदन में पंजे कराओगी, ये वायरस वीर के बदन में जाके उसके अंदर की सब मशीनरी जैम कर देंगे। कैटमोना, ऑल द बेस्ट। मैं और मेरा बड़ा मुंह। कौन है? वीर, वीर, यहाँ बिल्ली है। क्या हुआ चुलबुल, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? एक कैट ही तो थी, लगता है भाग गई। आज तुम्हें मेरे पंजों से कोई नहीं बचा सकता वीर। बचाओ, ये बिल्ली तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। वीर, हेल्प वीर। मेरी जिंदगी में कहां से आ गया? मैं इस गधे से ही नहीं जीत पा रही हूँ। वीर तो बहुत दूर की बात है बॉस। चलो जिंटू, आज गिल्ली डंडा खेलते हैं। हाँ, बहुत दिनों से गिल्ली डंडा नहीं खेला है। मैं गिल्ली लेकर आता हूँ। पहले इस गधे से पीछा छुड़ा लूं, फिर वीर को देखूंगी। इतना बड़ा डॉग। बॉस, मैं हार गई। बॉस, पहले उस गधे ने परेशान किया, फिर उस बड़े से डॉगी ने बहुत भगाया। वीर के तो पास भी नहीं जा सकी मैं। वीर को खत्म करना कितना मुश्किल है। ये क्या बॉस, आपने दूसरी कैट रख ली, वो भी मेरे जैसे? ऐसा मत करो बॉस, टिम्बक्टू तो कई बार फेल हुआ है और आपने उसे नहीं हटाया, मुझे क्यों हटा रहे हो? रोबोट है, जो काम तुम नहीं कर पाई अब ये करेगी। अब अच्छा लग रहा है। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन।
वीर, इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कैट मोना मेरा क्रिएशन है। उसे दुश्मन का शिकार करने के लिए प्रोग्राम किया गया है और वो तुम्हारा शिकार ऐसे करेगी जैसे बिल्ली चूहे का करती है। बाय बाय वीर। ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये रोबोट कैट ठीक नहीं है। बॉस बॉस, जब टिम्बकटू वीर का कुछ नहीं कर पाया तो ये मोना क्या कर पाती? मोना भी फेल हो गई और उसका रोबो भी फेल हो गया। वीर द रोबो बॉय के सामने सारे रोबो फेल हैं। बॉस चुप करो। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। एक रोबोट फेल हो गया तो क्या हुआ? मेरे पास रोबोट्स की फौज है। आज इसी समय मैं रोबोट फौज का ऐलान करता हूँ। टिम्बकटू जाओ, पता करो वीर कहाँ है। को सबक सिखा के ही रहूंगा। बंटी, तुम मुझे परेशान करते हो। ये लो। ठीक है बच्चू, तुझे बाद में देख लूंगा। वीर, वीर, इस लेक पे पिराना मछलियाँ आ गई है, वो देखो उस तरफ। देखा, मुझे देखकर सब भाग रहे हैं। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। पिराना और यहाँ, ये बात तो बॉस को बतानी पड़ेगी। बॉस, बॉस, बचाओ बॉस! बॉस, पिराना, पिराना यहाँ आ गई है बॉस। क्या? पिराना और इस लेक में? ये नहीं हो सकता। है बॉस, पिराना है, उसी ने तो मेरा ये हाल किया है। ये तो सचमुच पिराना है।
इन पिराना को यहाँ लेक पर तबाही मचाने दो। वीर जरूर लोगों को बचाने जाएगा, पर मैं उन असली पिराना में मेरे रोबोटिक पिराना को शामिल कर दूंगा। और जब वीर वहाँ लोगों को असली पिराना से आजाद करने जाएगा तब बॉस की रोबोटिक पिराना वीर को ही आजाद कर देगी। यस! ये रही मेरी रोबोटिक पिराना। अब देखना मेरी रोबोटिक पिराना क्या कमाल करती है। मैंने सुना है अपनी लेक में पिरानाज आ गई हैं। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये जगह जो देख रहे हो यहाँ ये पिराना बस्ती है। अच्छा, तो वो पिराना यहाँ क्यों आ गई? लगता है कि वो जहाँ रहती है वहाँ कोई मुसीबत आ गई होगी, तभी पिराना यहाँ आई है। अगर हम पिराना को उसकी जगह वापस ले जाए और उनकी जो मुसीबत है वो दूर कर दे तो? वही करना होगा वीर। ये ड्रैगिंग लिक्विड है जिसे तुम समंदर में डाल के पिराना को जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकते हो। वाह, बस हो गया मेरा काम। बॉस संभल के, यहाँ वो असली पिराना भी होगी और बड़ी खतरनाक होती है वो। मालूम है बेवकूफ, बस इस रोबोटिक पिराना को अंदर भेजना है हमें। यहाँ से अब इस लेक पे होगी तबाही। हेलो, ध्यान से सुनो, सब लोग संभल के रहना, सावधान रहना। मुझे दो। हाँ? इमली चुलबुल, तुम लोग यही रहना, मैं उस बच्चे को लेकर आता हूँ। है ये पिराना से वो पिराना अलग लग रही है। एक्सरे विजन ऑन। ओ, ये तो कोई रोबोटिक पिराना है, मतलब ये मैड मैक्स की ही चाल है। ये वीर को क्या हो गया है? उसके डेटा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं टॉकबैक से उससे बात करता हूँ। हेलो वीर, तुम ठीक हो? दादाजी, आई एम फाइन। यहाँ बाकी सब पिराना के बीच में एक रोबोटिक पिराना भी है। शायद वो मैड मैक्स की चाल होगी। यस, ये उसकी ही चाल है। मैं उन असली पिराना को उनकी जगह ले जा रहा हूँ, बाद में उस रोबोटिक पिराना से निपटता हूँ। Drilling suit on. Yeah!
है, तुम तो ग्रेट हो। अरे नहीं नहीं, महाग्रेट हो, महाग्रेट। मैडमैन, यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। लेकिन ये आपकी तारीफ क्यों कर रही है? आपका तो हर रोबो वीर के सामने फेल होता है, रोबो पिराना तक फेल हो गई। बॉस, आपकी रोबो वॉर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, और फिर भी ये मोना आपकी तारीफ कर रही है। मेरी मानिए बॉस, आपको ऐसे चमचों से दूर ही रहना चाहिए। Shut up, you got to इंसान। मेरी रोबोट वॉर अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई। ये रोबोट कार है, ये वीर को पकड़ के यहाँ लाएगी। इसे ले जाओ और वीर के घर के पास छोड़ दो, बाकी काम ये खुद कर लेगी। बचाओ, वीर, बचाओ, हेल्प, हेल्प। अब क्या होगा? वीर, ये क्या हो रहा है? हम अंदर बंद कैसे हो गए? ये रोबोट कार है, अपने आप हर काम करती है। इसे जरूर मैड मैक्स ने भेजा होगा। तुम पीछे हट जाओ, मैं अभी इसका ग्लास तोड़ता हूँ, फिर हम बाहर निकल जाएंगे। वीर, तुम ठीक हो? हाँ, इस कार में मेरी लेजर बीम काम नहीं करेगी, दादाजी से पूछना होगा। इस कार में फोन जामर लगा है, मैं दादाजी को कॉल नहीं कर सकता। वीर, अब तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारी ऐसी खातिरदारी करूँगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। फिर अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? मैग्नेटिक शील्ड को तोड़ना मुश्किल है, दादाजी से मदद लेनी होगी। ये अल्ट्रा मैग्नेटिक शील्ड है, इसे तुम्हारी लेजर बीम नहीं तोड़ सकती, कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वीर, ये देखो, इस जगह मैग्नेटिक शील्ड नहीं है, ये कोई पतला ड्रेनेज पाइप जैसा दिख रहा है जो पहाड़ के नीचे से उस पार तक गया है। ये पाइप सूखा है, इसमें पानी नहीं है, तुम इस पतले पाइप से उस पार जा सकते हो। टनल क्रॉस करने में तो बहुत समय लगेगा दादाजी। मैं तुम्हें टनल क्रॉस करने के लिए नया गैजेट दूंगा। ऑल द बेस्ट वीर। स्लाइडिंग व्हील ऑन। स्लाइडिंग व्हील ऑन। Suit on.
हो जाओ, बीच में बिल्कुल मत आना। वेलकम वीर, वेलकम। उम्मीद है यहाँ आने में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। मैं तुम्हारी ऐसी हालत करना चाहता हूँ कि तुम फिर किसी का नुकसान ना कर सको। बचा सको तो खुद को बचा लो। लेजर कटर ऑन। छोड़ दो, जब बच्चे घबरा के चीखेंगे चिल्लाएंगे तो वीर जहां कहीं भी होगा आ जाएगा। वो
जाओ, मैं देखता हूँ इनको। वीर तुम रुक जाओ, मैं देखता हूँ। इतने छोटे टॉयज और इतना बड़ा हंगामा कर दिया, अभी जाके सबको ठीक करता हूँ। आपको यहीं जाना होगा इमली चुलबुल, तुम लोग यहीं रुको। टॉयज छोटे जरूर है लेकिन है बड़े खतरनाक। मैं अभी इन सबको डिस्ट्रॉय करता हूँ। तुम तब तक बाकी स्टूडेंट्स और टीचर्स को आजाद करो। रोबो बॉय सूट ऑन। अब वो रोबोट टॉयज कहाँ है? सर, रोबो बॉय आ गया है, वो सब उसके पीछे गए हैं। अब डरने की कोई बात नहीं। वो सब टॉयज कहाँ गए? वो तो रोबो बॉय ने डिस्ट्रॉय कर दिए। जब तक रोबो बॉय है हमें कोई खतरा नहीं है। बॉस बॉस उदास मत हो, देखना एक ना एक दिन वीर का खात्मा जरूर होगा। हम हिमालय की पहाड़ियों में जाके एक लंबी छुट्टी करके आते हैं। वहाँ ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि वीर को कैसे खत्म करें। जब तक वीर खत्म नहीं होगा मैं चैन की सांस नहीं ले सकता। और तुम्हें छुट्टी की पड़ी है? मैंने अभी हार नहीं मानी है, मेरे तरकश में भी बहुत तीर बाकी हैं, बहुत तीर। फुर्सतगंज में रोबोट एग्जीबिशन हो रहा है, अलग अलग देशों से लोग अपने रोबोट लेकर आएंगे। वाह वाह, Mad Max is glad. Very, very glad. क्या हुआ बॉस? आप अचानक इतना खुश क्यों हो गए? फुर्सतगंज में रोबोट एग्जीबिशन है तो प्रेम सहाय और उसका रोबोट वहाँ जरूर आएंगे। तो मेरा ये मैग्नेटिक रोबोट लेकर जाना। जैसे ही डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट वहाँ आए, इस रोबोट को कमांड देना।
वीर, देखो एक से बढ़कर एक रोबोट है। हाँ इमली, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। वीर बेटा, सब रोबोट्स को ध्यान से देख के उनके सिस्टम को स्टडी करो, ये सब इन्फॉर्मेशन कभी ना कभी काम आती ही है। वो देखो, प्रेम सहाय का रोबोट ब्लू जैकेट में, उसे पकड़ लो। रोको उस रोबोट को। छोड़ दो, वीर को छोड़ दो। इमली उसका पैर छोड़ दो, इमली छोड़ दो उसे। डरो मत, मैं तुम सबको बचाऊंगा। आओ मेरे साथ आओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वीर, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बनाया था वो सफल हो गया। दादाजी चलिए, आग बढ़ रही है। हाँ, लगता है वीर ने सब ठीक कर दिया। हे, थैंक यू वेरी मच दोस्त। थैंक यू रोबो बॉय। चट्टा चांदा है, चलांगा मारदा।
ओए चंडा चांदा है चल अंगा मार दा। अगर मैं इसे पीछे से दुलाटी मार दूं, तो इसकी गड्डी और तेजी से छलांगा मारेगी। अरे छोड़ो मुझे, उन एलियंस को इंसान चाहिए गधा नहीं। छोड़ो छोड़ो मुझे, बचाओ हमें। मिस्टर चड्डा का पैर जाल से ना छूटा होता तो वो एलियंस मुझे भी ले गए होते। ऊपर वाले ने बचा लिया। दादाजी क्या वो दोबारा भी आ सकते हैं? क्या पता, मैंने अपने सब रडार ऑन कर दिए हैं। अगर वो धरती के एयर स्पेस में एंटर भी करेंगे ना तो मुझे खबर हो जाएगी। ये लोग तो फिर आ गए, भागो। इमली तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे मम्मी पापा और बाकी सबको बचा लेंगे। दादाजी मैं चारों तरफ उड़ के पहरा देता हूँ। ओके वीर, अपना ध्यान रखना, मैं अपनी लैब में जाता हूँ। चलो इमली। दादाजी मैं वीर के साथ रहूंगी। ओके इमली। वीर वो फिर लैंड कर रहे हैं, लोकेशन फूल चौक। मैं जाके देखता हूँ। वो रहे, चलो चल के देखते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं। इमली तुम साइड में छुप जाओ, सामने मत आना। Fire suit on. बहुत इंतजार किया है मैंने तुम्हारा, अब मैं तुम्हारे पूरे सिस्टम को स्टडी करके तुम जैसे कई रोबोट बनाऊंगा और डॉक्टर प्रेम सहाय कुछ नहीं कर सकता। मैं जीत गया डॉक्टर प्रेम सहाय।
तो ये नकली एलियंस का ड्रामा तुमने मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए किया था। सही समझे तुम बच्चे, सही समझे। तुम्हारे अंदर एक कमजोरी है कि तुम हर समय अच्छा ही सोचते हो, दूसरों की भलाई की सोचते हो। मैंने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और तुम्हें यहाँ ट्रैप कर दिया। दूसरों की भलाई सोचना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इसे सुबह तक यहीं लटके रहने दो, जब इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी फिर इसे नीचे उतारेंगे। I'm glad, very, very glad। दादाजी दादाजी, वीर कहाँ है? वो एलियंस के पीछे गया था, वीर का कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे उसके स्पेसशिप को ट्रैक करके उसे ढूंढना होगा। स्पेसशिप उस डायरेक्शन में है, जल्दी ही मिल जाएगा। ये रहा तुम लोगों का चाय नाश्ता। बॉस, यह आदमी एक छोटे स्पेसशिप से हमारे डेन में घुस के जासूसी कर रहा था। डॉक्टर ग्रीन सहाय, वेलकम वेलकम। आखिर तुम्हें मेरे दरवाजे पे आना ही पड़ा। वीर कहाँ है? वो जहाँ भी है बड़े आराम से है और उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मैं वीर जैसे कई रोबोट बना के दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे वीर से मिलाओ फौरन। मिलाता हूँ, जल्दी क्या है। जब वो मुझे इस टेबल पे लेटा रहे थे तो मेरे अंदर कुछ पावर बाकी थी और मैंने सुना था कि बॉस बॉस, इस चेन से वीर को बांध देते हैं वरना ये भाग जाएगा। ये इस टेबल से उठा तो ब्लास्ट हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। सुन रहे हो वीर, मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर अभी इतनी एनर्जी बाकी है कि तुम सुन सकते हो। इस टेबल से उठना मत वरना बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। इमली, मैं इस टेबल से नहीं उतर सकता, मेरे यहाँ से उतरते ही ब्लास्ट हो जाएगा। वीर, तुम्हारे और मेरे वजन में ज्यादा फर्क नहीं, तुम्हारा उतरना जरूरी है। मैं तुम्हारी जगह इस पे लेट जाती हूँ, तुम सबको छुड़ा के फिर मुझे यहाँ से छुड़ा लेना, ठीक है? थैंक्स इमली, तुम जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। इमली, मैं जल्दी ही आऊंगा, तुम किसी भी हाल में स्टेबल से उतरना नहीं। ओके वीर। डॉक्टर प्रेम सहाय, लो देखो अपने वीर को, आज वो कितना बेबस असहाय है और तुम कुछ नहीं कर सकते। मैड मैक्स, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अपने हाथ ऊपर कर दो और
चुपचाप हमारे साथ चलो। मैं मैड मैक्स हूँ, कोई मामूली मुजरिम नहीं जो हाथ ऊपर करके चल दूं। मेरे रोबोट वार की असली शुरुआत तो अभी हुई है। नंबर वन, वीर को खत्म कर दो। तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। आज तुमको कोई नहीं बचा सकता वीर। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते वीर। डॉक्टर प्रेम सहाय, वीर मेरे पास नहीं तो तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा। अब ये पूरा लैब बॉम ब्लास्ट से बर्बाद हो जाएगा। वीर, रोबो वॉर मैंने शुरू की थी और मैं ही खत्म करूंगा। मुझे खुशी है कि तुम मेरे हाथों ही खत्म किए जाओगे। बाय बाय डॉक्टर प्रेम सहाय। बॉस बॉस, मुझे भी ले चलो। वीर, जल्दी इस जगह से बाहर निकलना होगा, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं। वो देखो, दादाजी रोबो बॉय को लेकर आ रहे हैं। ये टाइम नहीं है, जल्दी आप सब मेरे स्पेसशिप में बैठ के निकल जाइए। इमली कहाँ है? मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। आप लोग निकलिए। You are welcome, Emily.